इस कूड़े की गाड़ी में ये चीज नगर पालिका की गाड़ी मंगाई थी। एक मिनट, उत्तर प्रदेश में चुनाव के नतीजों से पहले ईवीएम मशीनों की मूवमेंट के मामले पर विवाद खड़ा हो गया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश करी है। इसी बीच चुनाव आयोग ने भी इस पूरे मसले पर अपनी सफाई दी है। और जो आज देखने को मिला है बनारस में, कि जहां ईवीएम ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, दो ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये बोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं, दो गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम जा रही हैं? और ईवीएम के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो, तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते। चुनाव आयोग ने बयान जारी कर कहा है कि वाराणसी में गाड़ी से बरामद की गई ईवीएम मशीनें अधिकारियों के लिए मतगणना की ट्रेनिंग के मकसद से लाई गई थी। इन मशीनों का इस्तेमाल मतदान में नहीं किया गया है। चुनाव आयोग के पत्र के मुताबिक वाराणसी में 8 मार्च को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें गाड़ी में ले जाने का मामला संज्ञान में आया है। इस पर राजनीतिक प्रतिनिधियों ने आपत्ति जताई है। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक ईवीएम प्रशिक्षण के लिए लाई गई थी। जिले में 9 मार्च को ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मंडी में स्थित खाद्य गोदाम के स्टोरेज से ट्रेनिंग स्थल पर ले जाई जा रही थी। 9 मार्च को काउंटिंग ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की दूसरी ट्रेनिंग में इनका इस्तेमाल किया जाना था। ट्रेनिंग के लिए हमेशा इन मशीनों का उपयोग किया जाता रहा है। मशीनों के बारे में राजनीतिक दल जो भी कह रहे हैं, वह सिर्फ अफवाह है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि मतदान में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक मशीनें स्ट्रांग रूम के अंदर सील बंद रखी हैं। ये मशीनें सीआरपीएफ की 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में हैं। ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल की गई ईवीएम मशीनों से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा लगातार इन मशीनों की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी सीसीटीवी के जरिए मशीनों पर 24 घंटे सातों दिन नजर बनाए हुए हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं, तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें।